और क्या कह रहा भाई, ये पहले जब उस शाइस्ता सना पड़ रही थी तो लग रहे थे ताजमहल वहां से उखाड़ के या भगवान में लेके लगा देंगे ये। अब सारे शांत पड़ गए हैं, सबकी आत्मा जो है वो जो है सो गई है मकबरे में। अब एक गीत सुनिए आप, हास्य गीत सुनिए, मजा व्यंग का गीत है, आनंद लीजिएगा। देखिए, मैं जब पढ़ा करता था दसवीं में, इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, अर्थशास्त्र पढ़ते थे, तो उसमें एक वाक्य आया करता था कि भारत एक अमीर देश है जहां गरीब लोग रहते हैं, इंडिया इज ए रिच कंट्री इनहिबिटेड बाय पुअर। मैं बड़ा हुआ तो मैंने विश्लेषण किया तो मैंने पाया कि देश में तीन प्रकार के नेता हैं। एक प्रकार के नेता वो है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लाल बहादुर शास्त्री की कैटेगरी के नेता है कि जिन्हें यूरोप भी जाना था या शास्त्री जी को, तो उन्होंने नेहरू जी से उधार कोट मांग के लेके गए और जो कार उन्होंने खरीदी थी उसका लोन की किस्तें जो है उनका परिवार चुकाता रहा उनके मरने के बाद में। एक ऐसे नेता, एक ऐसा वर्ग जो देश में जनता समाज सेवा के लिए आया, परिवार की सेवा के लिए नहीं आया, वो श्रृंखला वहां से चलकर नरेंद्र मोदी तक चलती हुई आगे चली जाती है, ऐसे लोग हैं। दूसरे लोग ऐसे हैं जो खानदानी रईस हैं, चाहे उन्होंने व्यापार से कैसा कमाया, चाहे पैतृक पैसा उन्हें मिला, उन्हें लगा कि पैसा खूब है, समाज की सेवा करनी चाहिए, वो सेवा भाव से जो है वो राजनीति में उतरे। 90% लोग ऐसे हैं जो धंधा है राजनीति उनका, जो बहुत गरीब हुआ करते थे और अब जो है करोड़ों अरबों के मालिक हैं, जो सिर्फ 5 करोड़ का खर्च करके 500 करोड़ कैसे कमाने हैं, उन लोगों की हम अमीर, उन लोगों की वजह से हम लोग गरीब हैं। मैं उन्हीं पर एक गीत सुनाता हूं और आप जुड़िएगा साथ, साथ जुड़ के तालियों में ताल दीजिएगा तो मजा आएगा, आपको आनंद लीजिएगा मस्ती से। हवा भी चल पड़ी है कि असल में बगुले हैं, असल में बगुले हैं दिखते हैं मोर, असल में बगुले हैं दिखते हैं मोर, नेता मेरे देश में है ज्यादातर चोर। असल में असल में बगुले हैं दिखते हैं मोर, नेता मेरे देश में है ज्यादातर चोर। असल में झोपड़ी में पैदा हुए जस है महल, झोपड़ी में पैदा हुए जस है महल, काम है दलाली कहे जनता की टहल, सारे रिश्तेदार धंधे में लगे हुए, सारे रिश्तेदार धंधे में लगे हुए, जो है भ्रष्टाचारी इनके सगे हुए, नवी फेल देश की संभाले बागडोर। असल में बगुले हैं दिखते हैं मोर, नेता मेरे देश में है ज्यादातर चोर। असल में, और इनकी कैटेगरी देखिए, हर पार्टी के आपको मिलेंगे इसमें, कि धर्म की कुछ ने लगाई है दुकान, धर्म की कुछ ने लगाई है दुकान, कुछ ने सजाए जातिवादी पकवान, किसको लड़ाए किससे छांट रहे हैं, किसको लड़ाए किससे छांट रहे हैं, आरक्षण का लॉलीपॉप बांट रहे हैं, चाहते हैं चाहते हैं खून देखना ये चहुओर। असल में बगुले हैं दिखते हैं मोर, नेता मेरे देश में है ज्यादातर चोर। असल में, और देखिएगा आप कि फैक्ट्री आलू की कोई लगा रहा, फैक्ट्री इसमें हंसने की बात नहीं है, लोगों को पता नहीं लगता कि ये है वो है। मैं एक बात में मानता हूं, देश से अगर भ्रष्टाचार को मिटा सकता है तो कोई नरेंद्र मोदी नहीं मिटा सकता, राहुल गांधी मिटा सकते हैं, हम उसमें आने की जरूरत नहीं है। जो आदमी 132 साल पुरानी कांग्रेस को मिटा सकता है तो भ्रष्टाचार क्या चीज है। फैक्ट्री आलू की कोई लगा रहा, मशरूम सोने सी कोई बिका रहा। आपको ध्यान होगा गुजरात का एक एमएलए है, वो ये कहता साहब कि मोदी जी 80,000 रुपए की एक मशरूम खाते हैं, दिन में 5 मशरूम खाते हैं, 4 लाख की मशरूम खाते हैं, इसलिए उनका रंग गोरा हो गया है। तो हमारे वो अरे यार जो अपने वस्त्र पहने हुए हैं, मुझे लगता है कि उनको तो मशरूम जो है रिएक्शन कर गई है, इसलिए रंग में गड़बड़ हो गई है। और ऐसे ऐसे लोग हैं और वो जीत भी जाते हैं। हमारे हरियाणा के अंदर जो है मणिराम बागड़ी एमपी हुआ करते थे, जिस समय नेहरू जी ने ये भाखड़ा नंगल डैम बनाया, तो उस नंगल भाखड़ा नंगल डैम की परियोजना का प्रणाम करने के लिए देश की उपलब्धि थी, उसको नमस्कार करने के बजाय उसमें लोगों में भ्रम फैलाया अगले ने, किसान इकट्ठा किए, अरे बोले तुम्हारी फसल नहीं उगड़ी अब की बार, अब के समझ लो फसल नहीं उगेगी। कारण ये है कि सरकार ने पानी में से बिजली तो निकाल ली,
अब की बार बांट देखते रहो। तो ऐसे ऐसे नेता ऐसी ऐसी बात फैलाते हैं और लोग उनको वोट भी देते हैं। तो फैक्ट्री आलू की कोई लगा रहा, मशरूम सोने सी कोई बिका रहा, पुल और सड़कों से पेट ये भरे, दिन रात भर्तियों में घोटाले करे, कोयला पचाए कोई कोई चारा चोर। असल में भगुले हैं दिखते हैं मोर, नेता मेरे देश में है ज्यादातर चोर। असल में धन्यवाद, बहुत 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 बढ़िया सुना आपने। और देखिए आपके यहां पहले महागठबंधन की सरकार थी और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार हो गई, तो मैंने कुछ टुकड़े लिए गीतों के जिससे जुड़कर ये सारी सत्ता का परिवर्तन आपके सामने आएगा। और बड़े छोटे से क्रम में ये मैंने जोड़ा है और आप आनंद का उसमें मजा लीजिएगा। जब भी सरकार थी महागठबंधन की तो सुशील मोदी कभी आलोचना नहीं करते थे, वो हमेशा ये कहते थे कि हम तैयार बैठे समर्थन देने के लिए, अगला मांगने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो देखिए कि बार बार सुशील मोदी क्या कहते थे, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तो बार बार के अनुरोध के बाद नीतीश जी ने क्या कहा कि नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे, नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे। तो जब सरकार बन गई तो सुशील मोदी जी का गीत देखिए, ओ मेरा पिया घर आया, ओ राम जी मेरा पिया घर आया, ओ राम जी। लालू यादव जी का गीत देखिए क्या है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, वाह क्या बात है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला। आपको याद होगा सारा मसला जो तेजस्वी यादव की वजह से शुरू हुआ था। अब उनका गीत देखिए, हमसे कबूल हुई जो ये सजा हमका मिली। तो तेज प्रताप यादव भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं, उनको लगता है कि भाई के साथ कंपटीशन है, तो वो भी अपने विचार जरूर प्रकट करते हैं। उनका गीत देखिए, क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल मेरे भाई। और कांग्रेस की स्थिति देखिए कि बड़ी मुश्किल से कई सालों के बाद 30-35 सालों के बाद सत्ता में भागीदारी मिली थी, वो भी इस तरह से निकल गई। तो उनका दुख देखिए, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर थे अपनों का सहारा ना हुआ, इस भरी दुनिया। अच्छा लगा तो अगर ताली वाली बजा दीजिए, बस लीजिए। और मैं अब एक विशेष कविता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके यहां पहली बार आदरणीय हरिओम पवार जी का आना हुआ है, तो उनको भरपूर सुना जाए, उनके मस्ती से उनको आनंद से सुना जाए, और एक शाम ऐसी जो यादगार रहे, भले ही कुछ लोग शादी ब्याह की वजह से नहीं आ पाए हो, तो उनको अगले दिन महसूस हो जब आपसे सुने वो कि उन्होंने कितना जो है वो शादी तो वैसे भी हो जानी थी, उनमें तो सो योगदान नहीं है, वह फेरे पंडित ने पढ़वाने, तुमने क्या करना है, अपना रोटी खाते आ जाते। आई सब स्वागत है आपका मेरा जी। अरे अरे सर, अब आप मशरूम मत खाओ, आगे से आलू के चिप्स खाओ, फिर आनंद लो। हाँ मैं आपको जो आदरणीय मेहमान अभी आए उन्हें बताना चाहता हूँ कि जो मंच इतना सूना सूना दिख रहा है, एकमात्र ऐसा लग रहा है जैसे अंतिम सुहाग में बचा हुआ हूँ इस मंच का। सारे कवि हैं कहीं पर गए हुए हैं, आ जाएंगे सर। और आदरणीय मंजीत सिंह जी जो कविता सुनाने जा रहे हैं वो कोई मामूली कविता नहीं है, ऐसी कविता कभी कभी उतरती है। और यहाँ पर जितने भी बेटी के पिता बैठे होंगे वो उस कविता के साथ में जितना रिलेट करेंगे मैं समझ रहा हूँ। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए शानदार कविता सुनाने के लिए।